भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की प्रकृति। भारत के साथ प्रारंभिक ब्रिटिश संपर्क भयंकर परिणाम था। एशिया में डच और पुर्तगाली व्यापारिक हितों के साथ प्रतिस्पर्धा। अंग्रेज उपनिवेशीकरण के सापेक्ष लेट कॉमर्स थे और उनका एकमात्र शेष विकल्प था इन समृद्ध नए में हिस्सेदारी हासिल करने के प्रयास में दूसरों से दूर रहना। उपक्रम अंग्रेजों को कम ही पता था या यहां तक संदेह भी था कि वे बहुत उलझेंगे आकर्षक और दीर्घकालिक संबंध के साथ। आखिरकार क्या होगा, प्रमुख कहना उनका शाही मुकुट। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना विकास की एक प्रक्रिया थी जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं द्वारा चिन्हित कई अवधियों से होकर गुजरा। प्रारंभिक चरण एक विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक और वित्तीय दृष्टिकोण के साथ शुरू हुआ और अंततः एक और अधिक से गुजरा विस्तार और शक्ति बनाए रखने के आधार पर यथार्थवादी प्रतिमान यह था। फिर एक द्वारा पीछा किया कटु और प्रतिशोधी पद के लिए शाही सम्मान बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प 1857 बगावत का दौर। विक्टोरियन काल के दौरान शांत की भावना को अंततः बहाल किया गया था। परोपकारी आत्मज्ञान शांत होने की यह अवधि के एक नए पुनर्गठन पर आधारित थी भारत में सरकार। यह शांत दुर्भाग्य से लंबे समय तक नहीं रहा। एक द्वारा बाधित किया गया था घातक सूखे की श्रृंखला और उसके बाद के अकाल जो उनके जागने के बाद थे। इसके अतिरिक्त वायसराय और निर्मम प्रधानमंत्रियों को गुमराह करके बेहद खराब नेतृत्व किया, जैसे कि लॉर्ड लिटन और डिसराइली ने आम तौर पर क्राउन नीतियों के साथ समग्र असंतोष को जोड़ा और विशेष रूप से ब्रिटेन का उपनिवेशीकरण। कमर्शियल इनरोड्स 1612-1836 अंग्रेजों द्वारा किए गए पहले अस्थायी वाणिज्यिक अतिक्रमण हुए। 1608 में उत्तर पश्चिमी तट के साथ सूरत में उनके प्रयासों को अवरुद्ध कर दिया गया था। हालांकि नए मुगल के दरबार में पुर्तगाली हस्तक्षेप था। सम्राट जहांगीर थॉमस बेस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के तहत कुछ जबरदस्त सीमांशिप के बाद कंपनी ने आखिरकार प्रतिष्ठित शाही फर्मन की खरीद की और उन्हें अपना पहला प्रतिष्ठान स्थापित करने की अनुमति दी गई। 1612 में कारखाना व्यावसायिक शोषण और सौम्य पितृदोष की भावना इसकी विशेषता है। भारत में ब्रिटिश प्रभाव का प्रारंभिक काल ये सिद्धांत एक विस्तारवादी के साथ थे। अन्य यूरोपीय राज्यों जैसे फ्रांस पुर्तगाल और के साथ नीति और अंतर औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता। डेनमार्क कंपनी ने अंत में भूमि के अधिग्रहण के माध्यम से भारतीय पूर्वी तट का उल्लंघन किया। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना मद्रास का क्षेत्र जब चार्ल्स द्वितीय ने कैथरीन डे से शादी की। ब्रागांजा कंपनी ने शादी के दहेज के एक भाग के रूप में बॉम्बे को प्राप्त किया। अंत में वर्ष में 1690 एडमिरल निकोलसन ने गनबोट कूटनीति का उपयोग करते हुए कंपनी को एक कॉलोनी स्थापित करने में मदद की। हुगली नदी के साथ कलकत्ता के भविष्य के शहर की स्थापना इस बिंदु पर भविष्य के निशान बॉम्बे कलकत्ता बंगाल और मद्रास ऐसा विस्तार संघर्ष और समस्याओं से भी भरा हुआ था कंपनी का सामना करना पड़ा। कई महत्वपूर्ण चुनौतियां उनके कार्य बल का एक बड़ा हिस्सा लगातार बीमारी के कारण खो गया था और मलेरिया हैजा और पेचिश जैसे रोग कई युवा जो कोशिश करने के लिए बाहर सेट और भारत में उनकी किस्मत पर असर पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई जिन्हें कभी विस्तार में दफन किया गया मेकशिफ्ट कब्रिस्तान। एक और समस्या यह थी कि व्यापार शुरू में एक ही रास्ता था। अंग्रेजों ऊष्मा इंग्लैंड का सबसे बड़ा प्रधान निर्यात गर्मी में नष्ट होने वाली भारतीय जलवायु का बहुत कम उपयोग था। एक जिस तरह से व्यापार में बढ़ोतरी हुई और भारतीय सामानों की खरीद के लिए चांदी के बुलियन के बड़े शिपमेंट का इस्तेमाल किया गया इस अंततः कंपनी को लाया वित्तीय बर्बादी के कगार के करीब और बदले में की आलोचना संसद। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप उनकी बाजार रणनीति का पुनर्गठन हुआ जो कम हो गया उनके चांदी भंडार पर भारी निर्भरता और उनकी समग्र निवेश रणनीति में सुधार हुआ। अनेक कंपनी के कर्मचारियों ने अपने स्वयं के व्यापार के मुक्त व्यापार में प्रवेश करने का प्रयास किया और यह डूब गया जिस कंपनी को व्यापार पर शाही एकाधिकार प्रदान किया गया था। काउंटर करने के लिए इस नई चुनौती वे भीतर से सामना कर रहे थे कंपनी तैयार और सरल समाधान। इसने इन वार्ताकारों को अपने स्वयं के मुक्त समझौते का व्यापार करने की अनुमति दी लेकिन केवल एशियाई दायरे के भीतर। उन्हें यूरोप के साथ सीधे व्यापार करने से मना किया गया था। कई ने भारतीय बिचौलियों के साथ काम किया बरगद के रूप में जाना जाता है जिनमें से कई पारसी थे जिन्होंने महान धन और स्थिति भी विकसित की खुद यूरोपीय लोगों के अनुपात में। डॉट वारेन हेस्टिंग्स टू की नियुक्ति पहले की भारत के गवर्नर जनरल ने इंग्लो इंडियन समाज में प्रबुद्ध सद्भाव की अवधि को चिन्हित किया। भारतीय कानूनों साहित्य और पवित्र ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था और इसका गहरा असर हुआ ओरिएंटल अध्ययन में रुचि। ब्रिटिश और मूल निवासियों के बीच अंतर विरोध आम था और विशेष रूप से स्कॉटिश के बीच।
जिसमें पूरी तरह से कंपनी के आधे सदस्य शामिल थे। हालांकि हस्टिंग इंपीरियल सफलता के स्पॉटलाइट को साझा करता है, हालांकि एक और कीस्टोन के साथ ब्रिटिश इतिहास का आंकड़ा, रॉबर्ट क्लाइव। हालांकि क्लाइव और हेस्टिंग्स दोनों कंपनी के गंभीर भ्रष्टाचार से तंग आ चुके थे, बंगाल का कंगालीकरण। अभी भी कोई क्लाइव नहीं था। एक हो सकता है अनुमान है कि कोई साम्राज्य नहीं रहा होगा। क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी अंत में दृढ़ता से खुद को स्थापित किया और फ्रांसीसी आकांक्षाओं को समाप्त कर दिया 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद। भारत पर उनकी पकड़ दृढ़ता के बाद स्थापित हुई 1764 में बक्सर बिहार की लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट आलम द्वितीय की हार अंग्रेजों की नजर में महत्व आज भी अंग्रेजों की याद दिलाता है। भारत में महानता की राजनीतिक और सैन्य वर्चस्व स्थापित करने में उन्होंने जो भूमिका निभाई, भारत में ब्रिटिश इस तथ्य में देखे जा सकते हैं कि उन्हें अक्सर क्लाइव ऑफ इंडिया के रूप में संदर्भित किया जाता है। आगे के ईसाई सैनिक 1813-1857 निम्नलिखित में क्लैपहम संप्रदाय मैकाले के रूप में जाना जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स के उत्पीड़नकर्ता, बुरके के नक्शे कदम, उसके साथ स्वयं के अनुयायी विलियम विल्बरफोर्स और हेनरी थॉर्नटन थे, श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्ववर्तियों की परंपराओं को निभाते हुए शक्तिशाली आंदोलन इस आंदोलन को चला रहे हैं, गुलामी की निंदा कर रहे थे और इसके उन्मूलन का आह्वान कर रहे थे। यह ड्राइविंग नैतिक बल था परिभाषित किया गया है और स्टॉन्चली रूढ़िवादी और स्टल्टिफाइंग विक्टोरियन अवधि के लिए मंच निर्धारित किया है जो पीछा किया। इस अवधि को एक अधिक भयावह पहलू द्वारा भी चिन्हित किया गया था के उदय के ईसाई इंजील कट्टरपंथीवाद। इन मिशनरियों ने इसे अपने ईश्वरीय कर्तव्य के रूप में देखा, दायरे के भारी और ब्रिटेन के उपनिवेशों के ईसाईकरण के लिए प्रबुद्धता। अपने धार्मिक विचारों के संबंध में वे अत्यधिक विश्वास में जातीय और निर्मम थे। उनकी दृष्टि केवल एक ही थी जो उनके सही बनाता है दृष्टिकोण में मायने रखता था, जो उसी कंपनी के पूर्व निदेशक और हाल ही में परिवर्तित चार्ल्स ग्रांट द्वारा समूह को अपसुदृढ़ किया गया था। आत्माओं को बचाने और आध्यात्मिक रोशनी साझा करने का यह प्रस्ताव न तो वांछित था और न ही इसे स्वीकार किया गया था। भारत की मूल जनसंख्या ईसाई मिशनरियों द्वारा जमकर अभद्रता करना 1857 में भारतीय विद्रोह के लिए प्रज्वलित चिंगारियों में से एक के रूप में सेवा करें। इन छोटी छोटी बातों के बावजूद कुछ सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन जो प्रभावित हुए थे उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्नत शिक्षा के साथ साथ कुष्ठ रोगियों और गरीबों को दी जाने वाली सहायता कुछ थी अधिक रचनात्मक पहलुओं की। सामाजिक विधान वर्जित थगेजे की प्रथा 1830 का, शिशु हत्या 1836 और सती 1829 का भी कई लोगों ने स्वागत किया। विक्टोरियन अवधि आयरन विल्स और टेम्पर्ड स्टील 1837-1901 महारानी विक्टोरिया का शासनकाल लगभग पूरा हुआ औद्योगिक क्रांति का विस्तार। इस अवधि का बहुत प्रभाव पड़ा तीन विशिष्ट क्षेत्रों में भारत पर, स्टीमरशिप का विकास, द रेलवे और टेलीग्राफ। इस अवधि के आगमन के निशान भी हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन और बाद में ब्रिटिशों की स्थापना। राज अब प्रभावशाली ब्रिटिश पूर्व द्वारा भारत के निहित स्वार्थों को नियंत्रित नहीं किया जाएगा भारत कंपनी निदेशक मंडल, बल्कि एक विशेष रूप से नामित वायसराय द्वारा का मुकुट भारत की महारानी के रूप में विक्टोरिया 1876 के रॉयल टाइटल एक्ट का परिणाम और दिल्ली लॉर्ड लिटन के निर्देशन में दरबार भविष्य के साम्राज्य के तत्काल भविष्य को सील कर दिया। औद्योगिक क्रांति द्वारा प्रदान किए गए अवसंरचनात्मक सुधारों के बावजूद जीवन के लिए औसत भारतीय वास्तव में खराब हो गया दो विशिष्ट कारकों के कारण। पहला था, जबकि 1826 के बाद ब्रिटेन द्वारा स्थापित रेलवे और मूल निवासियों पर करों द्वारा सब्सिडी दी गई आगे और सस्ती यात्रा करने की संभावना है, 7 एना टिकट की कीमत सीधे वापस कर दी गई थी सरकारी खजाने को लाभ के रूप में। इस प्रकार रेलवे ने भारत को व्यापार करने के लिए खोल दिया, लेकिन एक असमान व्यापार। माल अब भारत के सुदूर कोनों में ले जाया जा रहा था, सस्ते थे, मशीन निर्मित थे, में उत्पन्न होने वाले औद्योगिक सामान लंदन, लंकाशायर और मैनचेस्टर के कारखाने और मिले भारतीय माल प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, इसलिए भारत से कच्चा माल तैयार किया जा रहा था, ब्रिटेन में संसाधित किया गया था और फिर से देशी आबादी के लिए फिर से प्रकाशित किया जा रहा है। एक दुष्चक्र का निर्माण आर्थिक दुर्बलता। दूसरा अधिक भयावह पहलू का उसके साथ सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था औद्योगिक क्रांति, लेकिन गरीब सरकार की नीति और इस दौरान लालच का प्रकोप था घातक अकाल के चक्र। 1857 का विद्रोह आमतौर पर टाइटल्स के ढेरों द्वारा संदर्भित एक सरल नहीं था बड़े हुए इनफील्ड कारतूस के जवाब में सिपाही का उठना प्रकरण, जैसा कि अक्सर सुझाव दिया गया है, बल्कि एक असंख्य मेजबान है परस्पर विरोधी स्थितियां सबसे टकराव के बीच थे। ईसाई के उत्साहपूर्ण प्रयास मूलभूत मिशनरियों और धर्मांतरित लोगों की उनकी इच्छा
इसके अतिरिक्त समस्याओं, वहां गया था भूमि कर सुधार योजना और बिना पैसे वाले ऋणदाताओं के साथ, जिसने कई भारतीय किसानों को परेशान किया हताश दुर्बलता में। अंत में खराब नीतिगत निर्णय जैसे कि द्वारा स्थापित किए गए डलहौजी अपने कुख्यात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ साथ अपने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के साथ उत्परिवर्ती एंग्लो इंडियन संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड में से एक का प्रतिनिधित्व किया और किया। इसके साथ भारतीयों और ब्रिटिशों के लिए गंभीर परिणाम है, जैसा कि उल्लेख किया गया है। यह भी वर्तनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश साम्राज्य के जन्म के लिए मौत का कारण राज के रूप में। विद्रोह लगभग 18 महीने तक चला और दोनों पक्षों में लड़ाई भयंकर थी। लड़ाइयां भड़की, गंगा नदी मेरठ से शुरू होकर दिल्ली तक फैलती है, कुछ भयंकर लड़ाई का स्थल। अंत में अंग्रेजों ने के साथ रणनीतिक गठबंधन के माध्यम से विद्रोहियों पर काबू पाने में सक्षम थे विभिन्न रियासतें। बदला समीचीन था और अत्याचार के रूप में क्रूर था प्रतिबद्ध। विद्रोह के परिणामस्वरूप अंग्रेज अपनी बहुत नींव तक हिल गए थे, हालांकि जैसा कि पर्सिवल स्पीयर ने बताया है, लेकिन यह उनकी शालीनता के बजाय एक झटका था उनके आत्मविश्वास के लिए। स्पीयर 1986-145। पतन सेना का पूर्ण पुनर्गठन था गैर देशी सैनिकों में बड़ी वृद्धि के साथ। इसके अलावा सैनिक अधिमानतः भिन्न होंगे क्षेत्र, जाति और भाषा समूह। अंत में सैनिकों पर अधिक निर्भरता होगी। सिखों और भुरखों जैसे अपनी निष्ठा में कभी पीछे नहीं हटे थे की संज्ञा देकर एक विद्रोह के रूप में उठकर अंग्रेजों ने इसमें शामिल महत्व और संख्या को कम करने का प्रयास किया। हालांकि सच्चाई यह है कि हालांकि किसानों ने इस घटना के दौरान तटस्थ रहने का प्रयास किया, कई अन्य लोगों की शिकायतें थीं जिनके कारण उनकी भागीदारी हुई। प्रिंसेस के अलावा जो विधवा के खिलाफ विद्रोह में उठे डलहौजी द्वारा बनाए गए पुनर्विवाह कानून, वहां भी थे जो एक ही भाग्य साथ ही साथ पीड़ित के डर से शामिल हो गए तलुकदार। स्थानीय ने अवध के कर संग्राहकों को हटा दिया और विद्रोह के दौरान कुछ सबसे महत्वपूर्ण नेता दावत और अकाल का समय 1866-1900। अंग्रेजों ने कई अन्य कठिनाइयों का सामना किया भारत, और इससे भी अधिक गंभीर रूप से इसके मूल निवासी एक श्रृंखला थी हैजा, बुबोनिक प्लेग, टाइफाइड बुखार, मलेरिया, कुष्ठ रोग, पेचिश। इन बीमारियों को अकाल से दूर किया गया था, जिसमें आबादी में गिरावट आई थी। भारत राष्ट्रीयता धर्म या जाति के संबंध में बहुत कम है। कुल 15 अलग अलग अकाल थे भारत में ब्रिटिश शासन की अवधि के दौरान। सबसे खराब 1876-1878 की महान भारतीय अकाल। कोई आश्चर्यचकित हो सकता है कि इस डरावनी जगह को हाल के भारतीय को प्रतिशोध के रूप में लेने की अनुमति दी गई थी 1857 के विद्रोह। यह अनुमान है कि इस अवधि में 10 मिलियन से अधिक लोग मारे गए। वहां इतने मरे हुए थे कि उन्हें दफनाया नहीं जा सकता था या उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता था के तहत 2 साल पहले भगवान नॉर्थब्रुक के सावधान प्रबुद्ध मार्गदर्शन के दौरान एक भी मौत नहीं हुई थी। बिहार का अकाल 1873-1874। एक तथ्य यह है कि तबाही की जड़ें सीधे हो सकती हैं बेंजामिन डिसरायर और कुछ संदिग्ध लोगों की अनदेखी नीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया लॉर्ड लिटन द्वारा प्रख्यापित इन नियमित अकालों के अलावा। इसका प्रकोप भी था बुबोनिक प्लेग, जिसने 1898 में बॉम्बे को तबाह कर दिया था। प्रतिक्रिया में कलकत्ता में दंगा हुआ था, ठेठ गरीब सरकार की प्रतिक्रिया। परिणाम प्लेग की रोकथाम की संस्था थी उपाय। हालांकि प्लेग 1899-1900 के बीच की तेजी के साथ वापस लौट आया, 1 मिलियन से अधिक लोग। द राज इंपीरियल स्प्लेंडर 1858-1947। राज इंपीरियल ब्रिटेन के अधिकारों का अधिग्रहण था और पूर्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारियां कुप्रबंधन के कारण बाद के विघटन के बाद राज को साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की प्रबल संतानों के रूप में देखा जा सकता है। तत्काल बाद के विद्रोह शांति भारतीय साम्राज्य को 2 में से 1 माना जाता था। अलग संस्थाएं ब्रिटिश भारत की और रियासतकालीन भारत की। कुछ ने ब्रिटेन को देखा है इंपीरियल भारत पर साधारण लूट का मामला है, जबकि अन्य जैसे लॉर्ड कर्जन यह ग्रेट गेम के दौरान सत्ता के लिए उपयुक्त राजनीतिक मशीनीकरण के रूप में माना जाता है। एक चेहरा रूस, जर्मनी, इटली, फ्रांस और तुर्क साम्राज्य जैसी अन्य शक्तियों के साथ। रानी 1885 के विक्टोरिया के प्रसिद्ध उद्घोषणा ने भारतीय की कई प्रमुख चिंताओं को संबोधित किया, जनसंख्या, अन्याय को सुधारना और सुधार की स्पष्ट आशा देना। हालांकि के कई ये बदलाव हवा में उड़ाए गए पतंग के रूप में अल्पकालिक साबित हुए। एक बार की दर्दनाक याद सामूहिक विवेक से उथल पुथल मच गई थी, वादों में से कई को रद्द कर दिया गया था, जैसे कि नई भूमि निपटान योजना का मामला था।
जैसा कि बेल्मिकी बताते हैं, इसलिए एक बार इस क्षेत्र में स्थिरता बहाल की गई और 1857 की घटनाएं इस योजना की एकमात्र स्मृति बन गई। अंग्रेजों को छोड़ दिया गया क्योंकि अब इसे बनाए रखने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। बेल्मिकी 2008 122। ब्रिटेन अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में सर्वोपरि शक्ति थी और अपने दुर्जेय रूप से समुद्रों को नियंत्रित करती थी नौसेना। हालांकि ब्रिटिश राज का अस्तित्व बहुत हद तक भारत पर निर्भर था, अधिक विशेष रूप से यह अपनी बड़ी स्थायी सेना पर निर्भर था, मुख्य रूप से मूल भारतीय से बना था। सैनिकों राज और भारतीय राजनैतिक सेवा IPA दोनों ही पर निर्भर थे अपनी उच्च कुलीन और कुशल भारतीय सिविल सेवा की अदम्य भावना। मुट्ठी भर समर्पित स्वर्ग का जन्म लाखों लोगों की भूमि में हुआ। अंग्रेज उसी प्रकार का प्रदर्शन करने पर तुले हुए थे उनके मुगल पूर्ववर्तियों के रूप में शानदार वैभव। कहीं यह अधिक स्पष्ट था कि के साथ 1877 में दिल्ली दरबार का आडंबरपूर्ण तमाशा। दरबार मात्र से अधिक था शाही वैभव और शक्ति का प्रदर्शन। यह प्रधानों की गांठी देने वाला एक राजनीतिक बयान था, ताज के प्रति उनकी वफादारी के बदले में अस्तित्व और संरक्षण का अधिकार। पूर्व में अंग्रेजों ने भारतीयों को अवमानना रखा था उन्हें देखकर, और अशिक्षित हीथन्स सरल दिमाग और बच्चों से थोड़ा बेहतर, जबकि जातीय श्रेष्ठता की ये भावनाएं अभी भी प्रकट हैं। वे अब संदेह भय और घृणा के कारण हाल के विद्रोह की घटनाओं का सामना करना पड़ा, जैसा बैनर्जी ने इतनी सूक्ष्मता से बताया था। ब्रिटिश अधिकारियों और मूल के बीच संबंध भारतीय नस्लीय थे और उन पर नस्लीय अहंकार का आरोप लगाया गया था, और फिर से वह राज्य पर चला जाता है। भारतीय नौकरों और नकारात्मक से मिले व्यवहार के रिकॉर्ड किए गए सबूत गुण उन्हें अंधाधुंध और नस्लीय सिख चरित्र के लिए अंधाधुंध इंगित करते हैं। द रिलेशनशिप बैनर्जी 2010 781। अब डाई या अमाह गीली नर्सें नहीं होंगी। साहिबों और मेमसाहिब की भावी पीढ़ियों को स्तनपान कराने की अनुमति। अंग्रेज स्थिर थे अपने साम्राज्य के लिए आधारशिला पर लटकने का उनका संकल्प। हारने का मतलब होगा भारत हारना। पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, यह लॉर्ड कर्जन ने अंदर बताया था 1901 जब उन्होंने कहा कि इन शब्दों के बजाय भविष्यवाणी, जब तक हम भारत पर शासन करते हैं हम सबसे महान हैं दुनिया में शक्ति, यदि हम इसे खो देते हैं तो हम सीधे तीसरी दर शक्ति पर छोड़ देंगे। निम्नलिखित द म्यूटिनी धारणाओं में बदलाव आया था। इस तथ्य के बावजूद कि आधिकारिक तौर पर भारत था भारत के राज्य सचिव द्वारा नियंत्रित, यह माना जाता था कि वास्तव में व्यापार भारत पर शासन भारत में ही होगा, लेकिन अंग्रेज ही नहीं थे एक जागृति का अनुभव करें। सोल मदर इंडिया की आत्मा में हलचल थी और मान्यता का दावा किया गया था। भारतीयों ने महिला जैसे विषयों के विषय में अपने आप को महत्वपूर्ण प्रश्न बताना शुरू किया। शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और अधिक सामान्यतः समाज में महिलाओं की स्थिति सामान्य है, इसमें से बहुत कुछ सीखने और अंग्रेजी शिक्षा पर एक नए जोर द्वारा किया गया था। युग्मित सरकारी विस्तार के साथ इसका मतलब है कि अधिक भारतीय शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और प्रवेश कर रहे थे पहले की तुलना में। सरकारी सेवा, स्वतंत्रता, शाही अंत, राष्ट्रीय शुरुआत 1885-1947, जिसे संदेह हो सकता था कि वह भारतीय राष्ट्रीय है, कांग्रेस इंक और एक राष्ट्रीय आंदोलन की पहली हलचल भीतर से आएगा और एक ब्रिटेन के लिए इसकी उत्पत्ति का कारण होगा। हालांकि यह मामला था कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक वर्ग के लिए एक संबोधन में एला ओतावियन ह्यूम INC वकीलों और अन्य बुद्धिजीवियों से मिलकर पहली बार द 28 दिसंबर को मिला था 1885। उनका प्राथमिक उद्देश्य इंडियाओं को अपने भाग्य में अधिक से अधिक आवाज देना था। के साथ कांग्रेस पार्टी की स्थापना के तुरंत बाद अंग्रेजों के साथ टकराव पैदा हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। स्वराज के इस दौर में अंग्रेज थे, हड़ताल और अहिंसक असहयोग के विरोध में अधिनियम को रद्द करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि शुरू में द इस तरह के उच्च आकांक्षाओं पर नहीं थे। एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर आंदोलन को संशोधित किया गया था संबंधित सभी के लिए एजेंडा, और 1907 में इंक के वार्षिक सत्र के बाद था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले नरमपंथियों और चरमपंथी तत्वों के बीच एक निर्णायक विभाजन। थोड़े ही देर के बाद बंगाल और बंगाल में हिंसा भड़की। सशस्त्र आतंकवादियों ने आतंक का अभियान छेड़ा और ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला। ऐतिहासिक भाग्य के एक विडंबनापूर्ण मोड़ में अंग्रेजों ने अब समर्थन किया नवगठित मुस्लिम लीग, जिनके हितों को उन्होंने महसूस किया था। उन्हें इंक द्वारा सेवा नहीं दी जा सकी। इस समय भी भारतीय साम्राज्य की राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित की गई थी और इसकी एक श्रृंखला थी। ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति को दर्शाने के लिए भव्य संरचनाएं बनाई गईं। यह लंबे समय के बाद नहीं था, प्रथम विश्व युद्ध और कुख्यात रोलेट अधिनियम।
अंग्रेजों की विफलता के प्रतिशोध में जीने के लिए अपने वादों के साथ खांडी ने 1920 में गैर बहिष्कार का अपना आंदोलन शुरू किया। यह लंबे समय के बाद नहीं था, हालांकि पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वशासन के प्रश्न के सामने आने में सबसे आगे थे 1930। निश्चित रूप से हिंदू अंश मुस्लिम के बीच संघर्ष आज अच्छी तरह से जाना जाता है और परिणाम में है दोनों तरफ जान माल की तबाही। इंग्लो इंडियन रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस 1612-1947। यद्यपि आज वह ब्रिटिश राज को एक ऐतिहासिक अवशेष और अनात्म के रूप में देखा जाता है, यह एक अभिन्न अंग है भारतीय जीवन और इतिहास का हिस्सा। कोशिश करें कि वे ब्रिटिश उपस्थिति की स्मृति को नष्ट कर सके। भारत राज की स्मारिका को भारत के सामूहिक अचेतन के रूप में चित्रित किया गया है, लोग स्थायी रूप से अमिट पेंट की एक परत के रूप में। वे अपने आप को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, माना जाता है कुछ परिस्थितियों में काफी सही है, क्योंकि अरुचिकर शोषण की याद दिलाता है। हालांकि सड़कों, इमारतों, संगठनों और शहरों के नाम बदलने से बहुत कम होगा भारत के बाहर ही प्रभाव। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास और रहेंगे अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संघों के कारण मानव जाति की सामूहिक स्मृति में कलकत्ता। आज यह संभव है कि पूरे भारत में बिखरे हुए एक बार शक्तिशाली साम्राज्य को देखा जाए। वास्तुकला से लेकर जीवन के सभी क्षेत्रों में अंग्रेजों के प्रभाव को देखा और महसूस किया जा सकता है। शिक्षा, कानूनों, चिकित्सा सेवाओं, सामाजिक क्लबों और अन्य संगठनों की अदालतें, जीवन, स्वच्छ जल सुविधाओं में सुधार और औसत के कारण औसत भारतीय की प्रत्याशा में सुधार हुआ। कुनेन आधारित मलेरिया रोधी दवाओं की शुरुआत, सड़क के कोनों पर लाल पोस्ट बॉक्स और डबल डेकर बसेस की सड़क के बाईं और नीचे दहाड़, उनके एंग्लों के अनुस्मारक हैं। मूल राजनीतिक और वित्तीय संस्थान, कराधान की प्रणाली और घुमावदार प्रणाली, रेलवे ने अपने मूल को साम्राज्य को सौंप दिया जिसने उन्हें आयात किया। बेशक यह रिश्ता है पूरी तरह से एक तरफा नहीं था, अंग्रेजों ने इस संपन्न उपमहाद्वीप से निर्वाह किया अनकहा धन और प्राकृतिक संसाधनों का रूप। ब्रिटिश सामग्री के लिए भारत भी एक प्रमुख बाजार था, निर्यात लगभग 20% 1910 तक इन निर्यातों की कीमत 137 पाउंड मिलियन थी और आने वाले सिविल सेवकों और सैनिकों ने ब्रिटेन को एक छोटे से द्वीप के जनशक्ति को वहन नहीं किया प्रदान करें। महिला भारतीय नौकरों के स्तन पर ब्रिटेन की पीढ़ियों को मिटा दिया गया था और स्नेह और रिश्तेदारी के करीबी बंधन अक्सर स्थापित होते थे। तथ्य यह है कि गैर परिजन महिला केयरटेकर ने औपनिवेशिक ब्रिटिश घराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, अन्य सेवकों के संबंध में उन्हें अपेक्षाकृत अधिक वेतन मिलता था। कई नौकर वास्तव में रखे भारतीय के दौरान अपने ब्रिटिश आकाओं को बचाने और उनकी रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश प्रेरणाओं के बारे में राय गलियारे के दोनों ओर गिरती है इरादे, लेकिन एक तथ्य जो अधिक है वह यह है कि भारत और ब्रिटेन पकड़े गए हैं आपसी प्रभावों के साथ खड़ा इतिहास। एक नीचे विक्टोरियन उपनिवेश छायांकित और कर सकते हैं, विक्टोरिया टर्मिनस के निकट युवती को क्रिकेट खेलने वाले युवकों को खोजने के लिए मुड़े समय लगता है। अभी भी एक पल के लिए खड़े हो जाओ क्योंकि सूरज पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य पर सेट है। शब्दावली एक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में स्थापित, 1858 में भंग कर दी गई। हिथरो का उल्लेख किया गया बस के रूप में। कंपनी दो, राज अर्थ शासन काल, भारत में ब्रिटिश शासन के लिए लागू किया गया पद था, आजादी तक विद्रोह का दौर। तीन, वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल 1173-1785, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया एडमंड बक और संसद द्वारा और बरी कर दिया। फोर, तालुकदार अरबीता अल्लुकर्त जिले से और डोर का अर्थ धारण है, रियासत के अधीन छोटी भूमि के रईसों के मालिक थे और इसके लिए जिम्मेदार थे करों का संग्रह। 5. अशाल, यद्यपि कई प्रतिपादन हैं, यह चुना हुआ रूप है। इस साम्राज्य तुर्को मंगोल तिमुरिड्स के वंशज 1525-1585 तक भारत पर शासन किया। 6. बरगद कंपनी और के बीच के मध्यम पुरुष या देशी दलाल थे, ग्रामीण विनिर्माण क्षेत्र। 7. साहिब ममे साहिब 8. पूर्ण स्वराज पूर्ण गृह शासन का उद्देश्य, प्रतिक्रिया दे संदर्भ 1, एलर चार्ल्स और फिलिप मेसन, राज से सादी दास्तां 20वीं में ब्रिटिश भारत की छवियां सदी। 4, प्रिंट ईडी लंदन फ्यूचरा पब 1987, प्रिंट 2, एलर चार्ल्स और शारदा द्विवेदी, भारतीय राजकुमारों के जीवन, लंदन यू ए एरिना 1987, प्रिंट 3, एलर चार्ल्स किपलंग साहिब भारत और रुडयार्ड किपलंग का निर्माण, न्यूयॉर्क पेगासस पुस्तकें 2009, प्रिंट 4, बैनर्जी स्वप्न एम
धुंधला सीमाओं, दूर के साथी, गैर परिजन, महिला देखभालकर्ता, औपनिवेशिक भारत 19वीं और 20वीं सदी के बच्चों के लिए। पैदागोगिका हिस्टोरिका 46 नहीं 6 दिसंबर 2010 775-788। शैक्षणिक खोज पूर्ण एप्सकहोस्ट 24 मार्च तक पहुंचा 2011। 5 बेलमेकी बेल केसम चेंज ऑफ अ वेज नई ब्रिटिश रंग नीति इंडिया में अटलांटिस 02106124-30 नंबर 2 दिसंबर 2008 111-124। शैक्षणिक खोज पूर्ण एप्सकहोस्ट 24 मार्च 2011 को एक्सेस किया गया। 6 चौधरी लतिका कराधान और शैक्षिकी विकास ब्रिटिश भारत से साक्ष्य आर्थिक इतिहास में अन्वेषण 47 सम 3 जुलाई 2010 279-293। शैक्षणिक खोज पूर्ण एप्सकहोस्ट 24 मार्च 2011 को एक्सेस किया गया। 7 कोहेन बेंजामिन बी नेटवर्क ऑफ सोशियलिटी विमेन्स क्लब ऑफ कॉलोनियल एंड पोस्टकोलोनियल भारत फ्रंटियर्स ए जर्नल ऑफ वीमेन स्टडीज 30 नंबर 3 सितंबर 2009 169-195। अकादमिक खोज पूर्ण एप्सकहोस्ट 24 मार्च 2011 को एक्सेस किया गया। 8 फर्ग्यूसन नियाल साम्राज्य ब्रिटिश विश्व व्यवस्था का उदय और निधन और के लिए सबक वैश्विक शक्ति न्यूयॉर्क बेसिक बुक्स 20,042,002 प्रिंट। 9 हिबर्ट क्रिस्टोफर द ग्रेट मयूटिनी इंडिया 1857 हॉडमैन्स पेंगुइन बुक्स 1983 प्रिंट। 10 लवेलन जोन्स रोजी भारतीय विद्रोह में अफ्रीकी इतिहास आज 59 नहीं 12 दिसंबर 2009 40-47। शैक्षणिक खोज पूर्ण एप्सकहोस्ट 24 मार्च 2011 को एक्सेस किया गया। 11 मैसन फिलिप भारत पर शासन करने वाले पुरुष 3 पढ़ना पेन बुक्स लिमिटेड 1985 35-50 प्रिंट। 12 मुरहाउस जेफरी भारत ब्रिटानिका लंदन पलाडिन ग्राफ्टन 1986 प्रिंट। 13 मुश्ताक मोहम्मद उमर ब्रिटिश भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य का संक्षिप्त विवरण औपनिवेशिक भारत में चिकित्सा सेवाओं और रोग की रोकथाम का इतिहास इंडियन जर्नल ऑफ सामुदायिक चिकित्सा 34 सम 1 जनवरी 2009 6-14। शैक्षणिक खोज पूर्ण एप्सकहोस्ट 24 मार्च 2011 को एक्सेस किया गया। 14 नलपत माधव दास भारत और इंग्लोस्फियर न्यू मानदंड में 23-28 के लिए फाउंडेशन सांस्कृतिक समीक्षा इंक 2011। शैक्षणिक खोज पूर्ण EBSCOH 24 मार्च तक पहुंचा 2011। 15 ओनली जेम्स द राज पुनर्विचार ब्रिटिश इंडिया का अनौपचारिक साम्राज्य और क्षेत्रों का एशिया और अफ्रीका में प्रभाव एशियाई मामले 40 नंबर 1 मार्च 2009 44-62। शैक्षणिक खोज पूरा एप्सकहोस्ट 24 मार्च 2011 को एक्सेस किया गया। 16 पेमेंट क्लियर सुअर और भेड़ की पुलिस सफेद साहिब के प्रतिनिधि और औपनिवेशिक भारत में थिएटर सेंसरशिप का निर्माण दक्षिण एशियाई लोकप्रिय संस्कृति 7 नंबर 3 अक्टूबर 2009 233-245। शैक्षणिक खोज पूर्ण एप्सकहोस्ट 24 मार्च 2011 को एक्सेस किया गया। 17 स्पियर थॉमस जॉर्ज पर्सीवल ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया होमसवर्थ पेंगुइन बुक्स 1986 प्रिंट। अन्य इतिहासकार बताते हैं कि सत्तारूढ़ भारत ने भारी लाभ उठाया। दूसरी ओर शोध बताते हैं कि लगभग 1870 से 1930 तक ब्रिटेन ने प्रति वर्ष भारत के धन का लगभग 1% हिस्सा लिया। यह बहुत कम था फ्रांसीसी की तुलना में। डच और जर्मन अपनी भूमि से ले गए। अंग्रेज उसी अवधि में लगभग 400 मिलियन पाउंड का निवेश किया। वे एक में ले आए सिंचाई कार्यक्रम जिसके लिए उपलब्ध भूमि की मात्रा में वृद्धि हुई एक बार से खेती। उन्होंने एक कोयला उद्योग विकसित किया जो नहीं था पहले मौजूद थे। ब्रिटिश के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई। नियम मुख्य रूप से पानी की आपूर्ति में सुधार और इसकी शुरुआत के कारण मलेरिया के खिलाफ कुनैन उपचार। बड़े जमींदारों भारतीय राजकुमारों भारतीय मध्यम वर्ग सभी को प्राप्त हुआ। क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों व्यापार के अवसरों और करियर की शर्तें कानून की तरह साधारण भारतीयों ने बहुत कम प्राप्त किया। लेकिन तर्क अभी भी इस बारे में जारी है कि ब्रिटिश शासन ने उनके जीवन में बहुत अंतर किया या नहीं। कई इतिहासकार सोचते हैं कि अधिकांश भारतीय बने रहेंगे भले ही वे भारतीय शासित थे। एडिट बाय जितेंद्र। थैंक्स टू वॉचिंग सब्सक्राइबर चैनल।